Hi, this is Parigna Pandya Shah, the official Hindi voice of Vidal. नमस्ते, मेरा नाम है वल्लभ भिंगाड़े और इस फिल्म में मैं सिल्मैक्स की ऑफिशियल हिंदी वॉइस हूँ. I'm Neshma Chemburkar, the official Hindi voice of Chichi and Pan. मेरा नाम है युद्धवीर दहिया और मैं ऑफिशियल हिंदी वॉइस हूँ गामा वन. माय नेम इज उपलक्ष कोचर और ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो में मैं कारमाइन और नरेटर की ऑफिशियल हिंदी वॉइस हूँ. हाय, मैं मयूर व्यास हूँ एंड आई एम द ऑफिशियल वॉइस ऑफ क्रिलिन. हाय, मैं हूँ शामिर मिर्जा, आई एम द ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ डॉक्टर हेडो. और एक फन फैक्ट, ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो को हिंदी में डॉक्टर हेडो ने, मतलब मैंने ही लिखा है. एंड आई एम राजा शाह, द ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ एनिमेशन वाइब्स यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियो हैं, मतलब भाई मैंने ही बनाया ना. एंड यस, जैसा कि आप सबने पता लगा ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 26 अगस्त 2022 को रिलीज हुई ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी के हिंदी डबिंग कास्ट से. तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं. जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि अब इंडिया में कभी भी टीनेजर फोकस्ड एनिमे सीरीज कोई टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट नहीं करने वाला ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ किड्स कंटेंट इन इंडिया, तब हम सभी इंडियन एनिमे फैंस का एक मसीहा बनकर उभरा कार्टून नेटवर्क इंडिया. साल 2022 दिन 22nd ऑफ मे. कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज को हिंदी में डब करके 22 मई 2022 यानी संडे सुबह 9 बजे से पूरे दिन बैक टू बैक इसके एपिसोड्स ब्रॉडकास्ट किए. कार्टून नेटवर्क के इतिहास में आज तक का ये एक अनोखा प्रीमियर रहा जिसमें किसी सीरीज को संडे के दिन इंडिया में हिंदी डब के साथ रिलीज किया गया हो. कार्टून नेटवर्क ने ना सिर्फ ड्रैगन बॉल सीरीज को हिंदी में डब करवाया बल्कि एक ऐसे स्टूडियो से डब करवाया जिसने अपनी पूरी कोशिश की ड्रैगन बॉल जी के डबिंग आर्टिस्ट से ही ड्रैगन बॉल सुपर के सभी कैरेक्टर्स को डब करवाने की. एंड या, ड्रैगन बॉल को वापस इतने सालों बाद टीवी पर देख करना, द नॉस्टैल्जिया वाज हिटिंग सो हार्ड. वेल, कार्टून नेटवर्क ने, या फिर यू कहें कि मई 2022 के दौरान रहे कार्टून नेटवर्क चैनल के नेटवर्क हेड अभिषेक दत्ता सर ने जिस कहानी को शुरू किया उसे आगे बढ़ाया सोनी एंड पीवीआर जैसी कंपनीज ने. यस, स्टार्टिंग में अभिषेक दत्ता सर ने फैंस के बीच आकर उनके डिमांड को समझा एंड हमारे ओल्ड कार्टून शोज को दोबारा टीवी पर वापस लेकर आए, इंक्लूडिंग ड्रैगन बॉल एनिमे सीरीज. एंड इंडिया में एनिमे कम्युनिटी के एक्टिवनेस को देखकर सोनी पिक्चर्स ने पीवीआर के साथ मिलकर ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी को रिलीज करने का डिसीजन लिया. वैसे ड्रैगन बॉल के इस मूवी से पहले ही 30 जून 2022 को एक सुपर कूल एनिमे मूवी जुजुत्सु काइजन जीरो को भी थिएटर्स में रिलीज कर दिया गया जिसने इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया जितना आज तक कोई एनिमे मूवी नहीं कर पाया. जेजेके जीरो के सक्सेस को देखकर पीवीआर ने 29 जुलाई 2022 को एक अनदेखा अनजाना सा एनिमे मूवी और रिलीज किया जिसका नाम था फ्री द फाइनल स्ट्रोक. ऑब्वियसली द रिस्पांस ऑन दिस एनिमे वाज नॉट दैट मच गुड एंड एट द एंड पीवीआर फाइनली रिलीज्ड ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी ऑन 26 अगस्त 2022. यहां एक मस्त चीज ये हुई कि इनिशियली ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी को जापानीज एंड इंग्लिश डब में ही रिलीज किया जाने वाला था बट हम सभी एनिमे फैंस ने मिलकर इसके रिलीज से पहले ही हफ्तों तक इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज करने की डिमांड की विद अ हैशटैग इंडिया वांट्स ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी इन हिंदी. और हम सभी एनिमे फैंस के ये एफर्ट्स बिल्कुल बेकार नहीं गए काहे कि आखिरकार सोनी, क्रंची रोल एंड पीवीआर ने मिलकर इस मूवी को हिंदी डब के साथ रिलीज कर ही दिया. वेल, ऑडियो मैजिक स्टूडियोज ने इस मूवी को हिंदी में डब करने का काम किया एंड डबिंग का पूरा प्रोडक्शन राजश्री शर्मा जी ने किया जो कि बुलमा की ऑफिशियल हिंदी वॉइस भी हैं. इस मूवी की हिंदी स्क्रिप्ट ऑब्वियसली शानूर मिर्जा सर ने लिखी थी जो कि वाकई बहुत अमेजिंग थी. मैंने एक कोशिश की है इस मूवी के कुछ डबिंग कास्ट को आपके सामने लाने की जिनसे मैंने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जो कि बहुत जल्द आप अपने स्क्रीन पर देखने वाले हो. बट उससे पहले ये जो लिस्ट आपको दिख रही है ना, ये ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी की फुल हिंदी कास्ट है एंड मैंने लगभग सभी
डबिंग आर्टिस्ट को कॉन्टेक्ट किया था इस वीडियो के लिए, बट स्टिल कुछ आर्टिस्ट का ज्यादा बिजी स्केड्यूल था जिसके कारण वो इस वीडियो में नहीं आ सके। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। विद दिस चलो बात करते हैं उन आर्टिस्ट से जो इस वीडियो में मौजूद हैं। वेल सभी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट से मेरा पहला सवाल कि आपने अपने कैरेक्टर के लिए कितना टाइम स्टूडियो में बिताया उसके डायलॉग्स को डब करने के लिए? मुझे याद है मैं सुबह सुबह गई थी स्टूडियो, क्योंकि मुझे जनरली अच्छा लगता है सुबह सुबह काम शुरू करना। तो आई थिंक 9-10 बजे ऐसे कुछ हमने शुरू किया था। और इस मूवी में छोटा सा पार्ट है विडल का, तो बहुत जल्दी हो गया था मेरे ख्याल से, 1-2 घंटे में हमारा काम हो गया था इस बार। 2 घंटे थैंक्स टू अ वेरी साउंड इंजीनियर मिस्टर कुणाल मेहता। अब जैसे ज्यादा काम है किसी कैरेक्टर का, तो उस आर्टिस्ट को डब करने में शायद बहुत ज्यादा दिन लगते हैं, या कभी होल डे, 2-3 दिन, जैसे गुहान का कैरेक्टर था या पिकलो का, तो आई थिंक उन्हें 2-3 दिन लगे होंगे। मेरा ज्यादा नहीं था, छोटा सा था, आई फिनिश्ड इन 1 आवर। यही कोई लगभग 1.5-2 घंटे लगे मुझे। देखा जाए तो कारमाइन मैंने 1.5 आवर्स 1.5 घंटे में कर लिया था, और नरेटर को करने में मुझे 0.5 घंटा लगा था, तो दिन नहीं लगे थे। एटलीस्ट मेरा काम, क्योंकि उतना ज्यादा नहीं है इस मूवी में, तो मेरा काम 2 घंटे में हो गया था। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा सीन्स नहीं है, फिल्म की एंड में एक्शन सीक्वेंस में क्रिलिन की एंट्री होती है, तो मुझे इसको डब करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। एक ही दिन में डबिंग कंप्लीट हो गई थी, वो भी कुछ 1.5-2 घंटे में। जो फर्स्ट डे था उसमें हम लोग वॉइस सेट कर रहे थे, तो उसमें 2 घंटे लगे थे। मैंने अलग अलग वॉइस अलग अलग पिच के साथ चेक कर रहे थे, और ऑडियो मैजिक की राजश्री वहाँ पे थी, और हम लोग देख रहे थे कि इंडियन मार्केट के लिए कौन सी वॉइस बेस्ट रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे 5 घंटे लगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 4 घंटे लगे, तो इतना वक्त गया। सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस मूवी को डब करते हुए आपके साथ कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ होगा, तो वो जो बिहाइंड द सीन स्टोरी है छोटी सी इंटरेस्टिंग सी, वो यदि आप शेयर कर सके, यदि कोई हो तो मजा ही आ जाएगा। बिहाइंड द सीन की एक बात याद आ रही मुझे कि जो एक सीन है मैजेंटा और डॉक्टर हेडो के बीच में, उसमें एक लाइन सिंक में नहीं आ रही थी, तो मैंने एक लाइन बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत हंसे वो उस पे, कि मैंने डॉक्टर गैरो को तो नहीं देखा पर एरो गैरो को बहुत देखा, तो ये मैंने स्पॉन्टेनियसली बनाई थी। बिहाइंड द सीन कोई स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि जनरली एनिमेशन जब भी हम कहीं भी डब करते हैं तो हमें इंग्लिश जो प्रिंट आता है उस सीरीज या मूवी का, जनरली वो इंग्लिश में आता है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के लिए हमें जापानीज प्रिंट दिया गया था, विच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग हम सभी के लिए। जब मैं पैन का डबिंग करने गई थी मूवी के लिए, सो उस समय मुझे पता चला कि पैन इज जस्ट अ 3-year-old किड, सो माय क्वेश्चन वाज कि मैं इसको थोड़ा सा तोतला कर सकती हूँ, बिकॉज द कैरेक्टर इज सो क्यूट एंड यू नो 3 साल की बच्ची है, तो शायद इतना क्लियरली ना बोल पाए, तो इसको हल्का सा तोतलापन डालते हैं। बट तब मुझे बताया गया कि नहीं, शी इज अ सुपर हीरो और वो तोतला नहीं बोलेगी, सर लाइक ओके बस दैट्स इट। इंटरेस्टिंग, मेरा किरदार बहुत ही गुस्से में था, वक्त से पहले उसे ज़बरदस्ती जन्म दिया गया था, सो बस एक ही इमोशन के साथ वो पैदा हुआ, वो गुस्सा, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसके इंटेंसिटी, उसके गुस्से को मैच कर पाऊँ, हिज रेज, हिज एंगर, और बस यही मेरी कोशिश थी। तो इंटरेस्टिंग ऐसे मेरे वक्त कुछ नहीं हुआ, मुझे यकीन है जो बाकी किरदार उस फिल्म में हैं सारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो हुआ यूं कि विडल और पिकलो का कन्वर्सेशन चल रहा है वीडियो कॉल पे, और जब पिकलो मान जाते हैं, जो भी विडल कह रहे हैं, अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है तो मैं आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर देम, तो जब पिकलो मान जाते हैं तो विडल इतनी खुश हो जाती है, तो वो उन्हें थैंक यू कहने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट से बोलती है, इतना लाउड बोलती है कि पिकलो पूरे ऐसे फ़ोन पे बात करते करते ऐसे पीछे चले जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन जो थी उसमें इतना ज़ोर से बोलना था, क्योंकि इतनी एनर्जी, इतना वो लाउड इमोशन दिखाना था, और मैं ज़रा सॉफ्ट बोलती हूँ यूजुअली, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उन्होंने कहा नहीं और लाउड चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है और एक टेक करते हैं, फिर और एक टेक, फिर और एक टेक, फिर करते करते आई थिंक अल्टीमेटली उतना शायद मिला ही नहीं जितना उन्हें चाहिए था, और फिर उसके लिए करेक्शन आया,
तो करेक्शन के दिन मुझे पता था कि अभी तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने तय कर लिया कि नहीं, जितना लाउड हो सकता है उतना मैं आज छप्पर फाड़ के बोल के दिखाऊंगी, और फिर एक ही टेक में ओके हो गया, तो बहुत मजा आया वो करने में। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इजी कि आप क्या प्रेफर करते हैं, किसी लाइव एक्शन शो को डब करना या फिर किसी एनिमेटेड शो को डब करना? दोनों का अपना मजा है, चार्म है, पर मेरे लिए शायद लाइव एक्शन। एज एन आर्टिस्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे ये प्रोसेस बहुत पसंद है, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। एक किरदार के साथ आपकी वॉइस चस्पा हो जाती है, उसके बाद आपको वो परफॉर्म करना है, रीपरफॉर्म करना है, कि जिस तरह से उस किरदार को निभाया गया है, फिर वो एनिमे का कैरेक्टर हो या लाइव का कैरेक्टर हो, तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपको खुशी दे जाती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या कलर उसमें ऐड कर सकते हैं, आप क्या और कर सकते हैं जिससे वो और खूबसूरत बने। सो आई जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। सो तीनों जॉनरा कहेंगे से, आई डोंट नो, ये तीनों मुझे पसंद हैं, फिर वो चाहे लाइव एक्शन हो, एनीमे और कार्टून। वैसे तो मुझे दोनों पसंद हैं, लेकिन एनिमेशन थोड़ा सा 1% मैं उसको ज्यादा लाइक करता हूँ, वो इस वजह से कि एक्शन पैक्ड पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के लिए फुल स्कोप रहता है। देखिए सच कहूँ तो मुझे एनिमेशन डबिंग ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे लाइव एक्शन ड्रामास जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज उसमें हमें क्या बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग मैं कहूँगा कि हमें करनी पड़ती है, अपनी आवाज़ को ज़्यादा मॉड्यूलेट नहीं करना पड़ता। एनिमेशन में क्या होता है कि हमें अपनी जो पिचेज होती हैं वो भी शिफ्ट करनी पड़ती हैं, कभी लोअर पिच कभी हायर पिच, और बहुत स्ट्रेन पड़ता है गले में, इससे अक्सर हमारी आवाज़ जो होती है वो बैठ जाती है, गले ख़राब हो जाते हैं हमारे। तो अब जैसे चांपा का कैरेक्टर भी मैं करता हूँ तो उसमें बहुत चिल्लाता है वो, सो इसलिए मुझे एनिमेशन पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं कहूँगा चुनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाइव एक्शन के कुछ अपनी एडवांटेजेस हैं और एनिमेशन के अपने एडवांटेजेस हैं, मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं। लाइव एक्शन इसलिए क्योंकि उसमें एज एन एक्टर आपको परफॉर्म करने का, माइक के सामने आप ये समझ लीजिए कि आप परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉपरली। वहीं एनिमेशन में आप यू नो यू गो ओवर द टॉप, आपके टोनैलिटी आपकी इंटोनेशन काफ़ी बदल जाती है, सो यू गेट टू प्ले अलॉन्ग विद योर वॉइस अलॉट, सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। And इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, वेल कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू योर फैंस देन प्लीज। ड्रैगन बॉल फैंस और एनिमे फैंस से मेरा बस एक ही मैसेज है कि मैं चाहूंगा कि आप हम जो काम कर रहे हैं हमारी मेहनत को सपोर्ट करें, थिएटर्स में जाकर हमारी फिल्म को देखें, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें प्रोत्साहन मिलता है बल्कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे सोनी और ये सब, इनको भी पता लगता है कि इन मूवीज की डिमांड है, और अगर उन्हें लगेगा कि इन मूवीज की डिमांड है तो ऐसी ही वो और मूवीज और सीरीज इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे मुझे लगता है कि हम सभी का ही भला होगा। सो या दैट्स माय ओवरऑल मैसेज टू एवरीबॉडी आउट देयर। और मैं ऑडियो मैजिक को यहां पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये जो जिम्मेदारी उठाई है इतने बड़े प्रोजेक्ट को इंडिया में और थिएटर रिलीज करने की, तो ये बहुत ही कमाल की बात है, और मेरे सभी साथी डबिंग आर्टिस्ट ने बहुत प्यारा काम किया है, तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, और बस उम्मीद है हम लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहें, आप सभी का मनोरंजन करते रहें। ड्रैगन बॉल के जो सारे फैंस हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। इनफैक्ट हम लोग 12-15 सालों से, जो ड्रैगन बॉल जी के जमाने से शुरू किया था, ड्रैगन बॉल सुपर को भी अभी उतना ही सराहा जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, और बहुत अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद है। तो बस आपका प्यार इसी तरह हम पर बरसाते रहिए, और हम भी अपना काम और भी अच्छी तरह से करने की हमेशा कोशिश करेंगे और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। ड्रैगन बॉल्स के सभी फैंस को, पुराने नए, मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसमें कोशिश की थी अपनी राइटिंग के जरिए एक नया फ्लेवर देने की, एक हमारी जो फिल्मीनेस जो हमारे अंदर है ना, उसके साथ जो जैपनीज कैरेक्टर है, जो उनके पावर्स यूज करने की जो लैंग्वेज है उसको वैसे ही बरकरार रखते हुए पर अपने थोड़े से देसी स्टाइल में ढालने की कोशिश की थी, और वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो इसके लिए मैं दिल से उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। और
आगे भी इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया हमेशा उनके लिए लाते रहूं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है कार्टून नेटवर्क इंडिया का ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी में लाना, पीवीआर के द्वारा एनिमे मूवीज इंडिया में लाना, क्रंची रोल का माई ड्रेस अप डार्लिंग एंड रैंकिंग ऑफ किंग्स जैसे एनिमे सीरीज को इंडियन ऑडियंस के लिए हिंदी में डब करना, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोनी ये चैनल का ऑलरेडी नारुतो को हिंदी में रिलीज करना। रियली यार, द एनिमे कम्युनिटी ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली डे बाय डे। एंड यस, हमारे वॉइस आर्टिस्ट के इंडियन एनिमे कम्युनिटी के ऊपर क्या थॉट्स हैं वो भी थोड़ा जानकर जाओ आप। एनिमे कम्युनिटी की मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, इसको बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊंचे जाना है। जो बच्चे थे जो 12 साल पहले 13 साल पहले ड्रैगन बॉल जी शुरू हुआ था, वो बड़े हो गए हैं और काफ़ी अच्छी सोच है उनकी, काफ़ी काबिल हैं। और ड्रैगन बॉल जी में जो टीम यूज़ हुई है उनका 30 ईयर्स से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए बहुत ही सॉलिड काम हुआ है। और ऐसे ही काम अगर चलता रहा तो एनिमे का तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ऊपर जाएंगे। एनिमे ये कम्युनिटी जो एक साथ आ रही है और काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, नई नई सीरीज डब हो रही हैं और भी फिल्में और सीरीज हमें देखने मिलने वाली हैं, इसके सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम्युनिटी जो एनिमे को चाहती है, एनिमे को इतना प्यार करती है, ये एक साथ मिलकर एनिमेशन को और एक्शन को एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, ये सबसे अच्छी बात है। इंडिया में एनिमे कंटेंट को काफ़ी पसंद किया जाता है और मैं तो यही चाहूँगी कि ये जो कम्युनिटी है ये और ग्रो करे, हमारे इतने सारे फैंस हैं, उनका सपोर्ट अप्रिसिएशन आर्टिस्ट को, हमारी टैलेंट को मिलता रहे और ये बस आगे और बढ़ता रहे। देखिए, जहाँ तक एनिमे कम्युनिटी की बात है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आई मस्ट से। मुझे आइडिया नहीं था बट आई गेस ड्रैगन बॉल सुपर के रिस्पॉन्स के बाद और उससे पहले भी पोकेमॉन में, क्योंकि मैं ब्रॉक कर चुका था, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। मुझे पता चला है कि एनिमे कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह से जितने भी एनिमेज हैं वो इंडिया में आए, मुझे लगता है कि हमें एज ए यूनाइटेड फ्रंट आगे बढ़ना होगा, सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और हिंदी डब्स को भी बहुत सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदी डब्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत मेजर मार्केट है और वो लोग ये इस तरह का कंटेंट डिमांड करते हैं। सो या, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि पहले के मुकाबले में अभी ज़्यादा ऑडियंस है एनिमे के लिए और जो भी अथॉरिटी में बैठे हैं वो शायद इस बढ़े हुए परसेंटेज को कंसिडर करेंगे और उस कॉन्टेंट को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। और एज एन आर्टिस्ट आई वुड लाइक सच कॉन्टेंट टू कम जहाँ पे हमें परफॉर्म करने में बहुत मजा आता हो। सो लेट्स बी पॉजिटिव। 2022 वाकई एक बहुत ही अच्छा साल साबित हुआ है बिकॉज ड्रैगन बॉल की सीरीज वापस आई है, हमें डब करने का मौका मिला एंड अगेन हमने मूवी डब की है और हिंदी में वो रिलीज हुई है, अच्छे रिव्यूज आए एंड आई थिंक एनिमे कम्युनिटी इज ग्रोइंग सो फास्ट एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। इतने सारे एनिमे फैंस हैं और इतना प्यार दे रहे हैं हम सबको, इतना रिस्पेक्ट करते हैं एंड मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि आगे और ये सिलसिला बढ़ता ही रहे और बहुत सारा एनिमे इंडिया में आए।